राजधानी लखनऊ फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। नमस्कार, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हंगामा टाइम्स न्यूज में। राजधानी के आलमबाग जनता हॉस्पिटल के पास ही पूर्व जिला पंचायत सदस्य हरदोई सुरेन कालिया पर हुआ जानलेवा हमला, जहां पर आपको बता दें हॉस्पिटल प्रशासन के गार्डों को भी गंभीर चोटें आई है। और वही सुरेन कालिया जो की पूर्व जिला पंचायत सदस्य है, मौजूदा समय में उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है। वहीं पर आज राजधानी के अजंता हॉस्पिटल पर ही उन पर जानलेवा हमला हुआ, जहां मौके पर ही लखनऊ कमिश्नर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पहुंचाया उन्हें लखनऊ के ट्रामा सेंटर में। अभी देखते हैं कि किस तरह से हमारे संवाद सूत्र देवा गुप्ता ने कमिश्नर लखनऊ से बात की और जाना कि पूरा मामला क्या है, किस तरह से आखिर ये किन लोगों द्वारा ये कृत्य किया गया है और किस तरह से आखिर सुरेन कालिया पर जानलेवा हमला हुआ, किस मामले को चलते सुरेन कालिया पर जानलेवा हमला हुआ, जहां पर आपको बता दें सुरेन कालिया के ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं और वो लखनऊ के ट्रामा सेंटर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। देखिए लखनऊ कमिश्नर के बड़े बयान पर नजर। जब ये बाहर निकले तो उनके वाहन पर गोली मारी गई है। वो बता रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी ने गोली मारी और एक जो इनका स्टाफ था उसको दो गोलियां लगी, एक पेट में एक पैर में, और दो तीन मौके यहाँ से बरामद किए गए हैं। फिलहाल इतनी जानकारी है और इनसे बात करते हैं, इनकी रंजिशें पता करते हैं क्या क्या है और किस तरह से ये किसके ऊपर शक कर रहे हैं ये सब चीज़ें। सर कई राउंड गोली चली है, कहीं ना कहीं कोई गैंगवारी की बात सामने आ रही है, क्या देखने को? देखिए मैं अभी इट्स टू अर्ली टू से, ये बहुत जल्दबाजी होगी कुछ कहना, क्योंकि क्या रंजिश है, पर्सनल एनिमिटी है, जमीन की है, ठेके की, किसी भी चीज़ की, अभी ये कहना बहुत गड़बड़ी होगी। और पहले तो हम इन्हीं से बात कर लें, अभी तो सिर्फ घटनास्थल देखा गया है, पहले इनका वर्जन सुन लें और ये क्या कहते हैं और इनके पास क्या उस बारे में क्या पुख्ता सबूत है या किस आधार पर ये किस बिना पे शक किसी के ऊपर जाहिर कर रहे हैं, ये सब चीज़ें देखते जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन के सामने आएंगी और जो भी ये घटना वर्कआउट कर लेंगे। थैंक यू। भैया